नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं सत्या कौर, आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बोकारो के पिंडाजोड़ा थाना क्षेत्र के बहादुरपुर मोड़ निवासी पंचायत समिति सदस्य अंजना देवी के पति मानिक चंद मंडल को गोली मारने की नियत से उसके घर में घुसे एक शख्स को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार किया गया शख्स चास के जदवंश नगर निवासी पप्पू यादव बताया जा रहा है। उसके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा व 3 गोलियां तथा एक बाइक को बरामद किया है। मामले में चास नगर निगम के वार्ड संख्या 25 के तत्कालीन पार्षद किशुन लाल गोप तथा तेलीडी साइड निवासी शंकर लाल गोप का भी नाम सामने आ रहा है। यह मामला जमीन से जुड़ा विवाद का बताया जा रहा है। घटना के संबंध में पिंडाजोड़ा थाना प्रभारी सुदामा चौधरी ने बताया कि मानिक मंडल के घर के समीप बहादुरपुर मोजा के खाता संख्या 1 तथा प्लॉट संख्या 675 में रकवा 7 डिसमिन जमीन को लेकर बीते कुछ दिनों से किशुन लाल गोप व मानिक चंद मंडल के बीच विवाद चल रहा था। वर्ष 2018 में मानिक चंद मंडल ने किशुनलाल गोप से उक्त जमीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था। इसके एवज में उन्होंने 1 लाख रुपया किशुनलाल गोप को दिया था। एग्रीमेंट के आधार पर मानिक के द्वारा उक्त जमीन पर कार्य किया जा रहा था, जिसका विरोध किशुनलाल गोप ने किया। मानिक मंडल के घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पकड़ा गया शख्स गोली मारने के लिए आया था या फिर डराने के लिए। आज दिनांक 9-10-20 के दोपहर करीब 12 बजे बात की है। मानिक चंद मंडल हैं, जिनके मकान के बगल में एक प्लॉट है जिसका खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 675 जो 61 डिसमिल का प्लॉट है, इसमें ये तो ज़मीन का एग्रीमेंट दो व्यक्ति से करा कर रखे हैं। तो आज ये अपना कुछ काम कर रहे थे तो एक व्यक्ति उसी एग्रीमेंट करने वाले में से आया और कहा कि काम मत करो, क्योंकि हम एग्रीमेंट कराए हैं तो क्यों नहीं काम करें, तो ठीक है हम दिखा देते। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद एक व्यक्ति आता है किशन शंकर आया, जो इस कंप्लेनेंट के साथ में आगे इनके घर के गलियारे में गया। उसके थोड़ी देर के बाद में एक पप्पू नाम का व्यक्ति आया, पप्पू यादव आया, वो फोरन तरफ कराने वाला है, और इनके घर में गया। जाने के साथ ही सीधा वो सीढ़ी पर चढ़ा, जो कि अपने कमर में गमछा बांधे हुए था। जो सीसीटीवी देखे से स्पष्ट होता है कि वो सीढ़ी पर चढ़ा, और सीढ़ी पर चढ़ने के बाद वो कुछ हरकत किया। उसके बाद इनका कंप्लेनेंट का लड़का कहीं से उसको कमर से पिस्टल निकालते हुए देख लिया था, जो फिर अपने कमरे में घुस करके अपने पिता को फ़ोन किया कि पापा वो जो आदमी आया है उसके पास तो पिस्टल है। तत्पश्चात इन्होंने उसके कमर को टटोलना शुरू किया तो उसके कमर में पिस्टल आया, तो ये लोग सब मिल करके उसकी कमर से पिस्टल को निकाला और पॉकेट वगैरह चेक किया, जिससे कि गोली मिला है। तो एक पिस्टल और 3 गोली उसके पास से लोगों ने बरामद किया है, पकड़ा है और पुलिस को सूचना दिया। तो थाना से हमने पेट्रोलिंग भेज करके और उस व्यक्ति को गोली वगैरह के साथ थाना में ले गया, और आगे जो भी विधिवत कार्रवाई है अब करेंगे। अब वो जो पिस्टल लेके आया था, अब वो डराने के लिए लाया था या उसका कोई और दूसरा इंटेंशन था, ये नहीं कहा जा सकता है। बगल का जमीन हम 6-7 डिसमिल लिखवाए हैं, ठीक है, जिसका खाता नंबर 1 है और प्लॉट नंबर 675 है। एग्रीमेंट कराना है, हमने एग्रीमेंट करा लेंगे, हमको बगल में भाई हम ही लेंगे। तो बोला कि इतना रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया हम उनको अग्रिम में दिए हैं, 2018 में दिए हैं 1 लाख रुपया। उसके बाद बीच में हमको फिर पैसा मांगा कि 5 लाख रुपया देना होगा। हम बोले भाई 5 लाख रुपया देंगे, अभी आप जमीन का पैसे हमको दीजिए। तब बोले देखिए हम काम करेंगे, सेट लगाएंगे थोड़ा, ये चीज़ बगल में वो मेरा भी है, आपका क्या है वो हम नहीं जानते, अभी सेट गाड़ी के लिए हम लगाएंगे, खाली गाड़ी रखने के लिए मेरा, यही हम वार्ता किए। तो बस आया पहले किशन गोप यहाँ पे, आके हमको धमकी उमकी दे के गया पूरा, बोला ठीक है तुम देखते हैं तुमको अभी है, और देख के वो निकल गया। 10-20 मिनट बाद शंकर गोप आया, और शंकर गोप के साथ शायद कोई वो पप्पू यादव करके कोई लड़का आया, बस आया हमको अंदर लेके गया। हम इज्जत दिए उनको शंकर गोप को, भाई क्या बात है, बस इज्जत देते तो आदमी सीढ़ी तरफ गया, सीढ़ी के पास जाके क्या क्या किया वो तो हमने देखे। मेरा बेटा अंदर से बाहर जैसे निकला, मेरा बेटा का नाम है विशाल कुमार मंडल, वो जैसे ही आया तो हमको फिर अंदर घुस के फिर फ़ोन कर दिया कि पापा इसके पास पिस्टल है, पिस्टल गोली लोड कर रहा है। तो हम तो मतलब तुरंत डर गए, अब तो होगा, तो हम उसको देखे हैं, वो बस तुरंत उसको टोटले हम कि क्या आपके पास पिस्टल है, तो बोला नहीं 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 है, हम देखे पिस्टल निकाल के हम सबको दिखा दिए, सीसीटीवी में मेरा फुटेज में सब पूरा आ गया है, बस यही बात।